सिंपल ने जो मर्जी की तो होवे पर देशो वांग इस कार से चोरी नहीं की थी। बस मैं पहला ही बहुत तमाशा देख चुके हैं ते हुन तू मेरे सामने दोबारा देशो दे उत्ते गंदे इल्जाम लगाने की हिम्मत ना करी। मैं तेरी और बकवास नहीं सुनना चाहता। यही तो थोड़ी समस्या है कि देशो जिन्नी मर्जी बड़ी गलती कर ले पर तुसी ओदे बारे ना एक गल नहीं सुन सकते। ते तेरी समस्या ये है कि तू अखां तो अन्ना हो चुका है पर मेरिया अखां हजे सिंपल दे चोर दे पिछे लुकिया देशो दा सच देख सकदियां ने। वाह थोड़ी अखां ते वाकई कमाल ने कि सारा कुछ मूरे देख के भी ना देशो दी गलती मनन तैयार ही नहीं हो। अखां दे अन्ने ते अकल दे अन्ने होण दे विच फर्क हुंदा है। तेरी अकल ते तां वैसे पड़दा पै चुका है पर मेरा दिमाग अजे इन्ना चलदा है कि मैं ये हो रही साजिशां नूं समझ सकां ते अज जो भी कुछ होया है कुछ केड़ी साजिश है सगो अज तां देशो दी साजिश बेनकाब हुई है पर हल्ले भी थोनू देशो बेकसूर दिखती है। तू ते सिंपल मिलके पावे 100 सबूत कठे कर दे देशो दे खिलाफ पर देशो मैनू हमेशा सही लगोगी। मेरी तां तू गल ही छड्ड दे पूरी दुनिया भी सिंपल दी इस गल ते यकीन नहीं कर सकती कि देशो ने चोरी कीती है। भाई तुस तां इदां कह रहे हो जिद्दां देशो ना होई रब होगी कि हर हालात विच उही सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि देशो रब है पर मैं इन्ना तो सोच ही सकता ना कि देशो नू चोरी करन दी की लोड़ सी। पापा जी लालच लालच इंसान तो कुछ भी करवा सकता है। लालच कदा लालच गहणिया दा पैसा दा होर कदा ओनू की लोड़ है गहणिया दी वो गहने तो ओनू ओदा ही मिल जाने से। तेरी मां ने पहला ही फैसला कर लिया से ते इस गल दा देशो नू भी पता है क्योंकि तेरी मां ने सारिया दे सामने गल कीती सी। ठीक है कीती होगी पर ओने सब कुछ ना सिंपल नू फसाउण वास्ते कीता सी। वाह सिंपल ने जो कुछ भी बोलिया तू अखां मीट के सारा कुछ सुन लिया ते बाकी सारे जने असी झूठ बोलते पे हैं। जे तेरे विच पोरा अकल हुंदी ना तां तू सोचता तू ठंडे दिमाग ना सोचता तां शायद तेनू ये सारी कहानी पल्ले पै जांदी। सोच सोच दे मैनू जवाब दस की लोड़ है देश नू गहने चोरी करन दी। ते बुड्ढा सच्ची अरमान दे खाने सारी कहानी ना पा दे अरमान जवाब दे नू ना सुनी दियां गल्लां। जे तू सियाणा हुंदा ना तां अज तू मौका ना गवांदा सिंपल नू गले लाण दी गलती तां तू पहला कर ही ली सी पर अज वो अपने आप तेरे गलों उतरदी पई सी पर तू ओनू वापस इस घर दे विच लिया के ते देशो नू बाहर कढ के बहुत वड्डी गलती कीती है। तेनू शायद पता नहीं कि तू वो देशों नू घरों कढ़िया जिन्हें सदा तेरी ते पूरब की सेवा की ते साडे टब्बर नू सदा संभाल के रखिया ते तेनू हजे ये भी समझ नहीं आ रही कि तू हीरे नू कूड़े दे विच सुटदा पिया ते कच नू हीरा समझ के खीसे दे विच पा रहा। जे तू इस परिवार का बड़ा चाहना है ते जा देशों नू मना के वापस इस घर दे विच लै आ।
अरमान आज भी तेरे कोल मौका है। फिर सिंपल का दिल दुखाता ना, ओ बेचारी जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवे इस घर नूं अपना मनन दी, पर तुसी किसे ना किसे तरह उन्हूं एहसास करा ही दिंदे हो कि ओ बेगानी है। बेगाने बेगाने ही हुंदे ने, ते जे तू चाहुंदा ना कि असी सिंपल नूं देशो दी जगह ते देख लीए तां इह सारी जिंदगी नहीं हो सकता। जे थोड़ी जिद है ना तो फिर मेरी भी जिद है कि मैं सिंपल नू देशों की जगह दबा के रहूंगा, ते देशों नू ना तलाक दे कागजात साइन करने वास्ते मजबूर करूंगा, ते पूरब की कस्टडी वो भी लेके रहूंगा मैं। सिंपल सिंपल किथे जांदी पई है? नहीं अरमान मैनू ना रोको, मैं जीना नहीं चाहती, मैनू मर जान दो। सिंपल है त्योहार दा दिन है ते दिवाली वाले दिन तां मरन दी गल्ला कौन करदा? करनियां पैंदियां ने जदों तुहानू पता लग जांदा है कि इस दुनिया च तुहाडी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर च मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सिंपल तू मेरी जान है ते मैनू तेरी बहुत ज्यादा लोड़ है, मैं तेरे तों बिना नहीं रह सकदा। इह सब गल्लां ने, कोई किसी दे जान तो बाद नहीं मरदा, मैनू भी मर जाना। सिंपल मेरी गल सुन प्लीज, ऐदा ना करी मैं तेरे तो बिना मर जूंगा। मैनू ना रोको अरमान, मेरे वर्गियां कुड़ियां नू ना मर जाना चाहिए है, वही चंगा है। मैं तेनू क्या ना, तू ऐदा ना बोल। सिंपल तू ऐदा सोचदी क्यों है? किद्दां ना समझा, मैं हर बार कोशिश की इस घर नू अपना समझन, पर इस घर दे सारे लोग ना ਮੈਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਹਿੱਲਾ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਮਾਨ। ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦ ਦੀ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲੈਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਬੇਬੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲਓਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मैं तेरे नाल आ। पर तुसी कल्ले मेरा साथ ता नहीं दे सकदे, फेरे करके अपने मम्मी पापा नु छड़ ता नहीं सकदे, इसलिए चंगा ही छड़ दो मेनू, जा दो मरन दो। सिंपल तू समझदी क्यों नहीं, मैं तेरे खातर किसे नु भी छड़ सकदा, अपने घरदियां नु भी। आ तेरे सामने देख ला, पापा जी ने हुणे बहस के आया। की फायदा होया इस बहस दा, पुत्र टेस्ट तो मस भी नहीं होए। ना हुण पर मैं भी नहीं हुंदा, ते तू ना इस घर दे विच ही रहेंगी, देशो दी मेरी जिंदगी विच ते मेरे घर विच कोई जगह नहीं है। नहीं अरमान, मैं अपने आप नूं होर धोखा नहीं दे सकदी, तुहाडे मम्मी पापा ते बाकी सारे ना मैनूं इस घर च टिकन नहीं देणगे। इदां किदां नहीं टिकन देणगे, तू उहनां दे नाल रहिणा जां मेरे नाल? ते देशो, ओ देशो नूं तां मैं हुणे आपणे घरों बाहर कढ़िया तेरे सामणे, नाले हुण ना ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚੱਲ। हाँ जी, मिली देशो दी खबर सर की? सारे पासे पता कर रहे हैं कि तो कुछ पता नहीं लगया उदा। मैं भी सारे पासे फोन करके देख लिया, किसी नु कुछ पता नहीं देशो दा। पता होएगा भी कितों, उदों तो सारे दिवाली मना रहे सी जदों इत्थों गई है, पता नहीं कित्थे होनी है बेचारी, किस हाल च होनी है। ना तो आंढ गुआंढ च किसी नु पता है, ना माया ते शिवम नु पता है, उन्हां नु भी मैं फोन करके पूछ लिया। तू शिवम नु कहना सी, ओ इधरों उधरों कितों पता करे, ओनू देशो नु जानन वाले लोकां दा साडे नालों ज्यादा पता है। ओने ते माया ने तां कोशिश भी करके वेख ली, पर किसे नु कुछ भी नहीं पता। वैसे इन्नी दूर तां किते जा नहीं सकदी, होनी ते ओ किते नेड़े तेड़े ही है। ओ तां मैनू भी पता है, पर पता तां लगे कि है किथे, मैनू तां फिकर जिहा होई जांदा है। फिकर तां मैनू भी बहुत आ, पर हुण कीता की जावे, सारे पासे तां हथ पैर मार के देख लेने आपां। दादा जी, दादा जी, मेरी मम्मी कित्थे ने? तेरी मम्मी? हां जी, मैं उन्हां दे कमरे विच भी गया सी, उत्थे भी है नहीं, रसोई विच भी नहीं। कोई नहीं पुत, तेरी मम्मी इत्थे कित्थे होनी है? ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤ, ਆਜ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਊਗਾ, ਹੈ? ਫਿਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਗੇ? ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਪਰਾਂਠੇ ਖਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਹੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ,
मैं ये पूछनी हां कि पूरव दे मोरो थाली क्यों खींची तो? क्योंकि पूरव है ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। एक ही गल हुई, पूरव क्यों नहीं करूंगा नाश्ता? क्योंकि इस घर दी मालकन ते इस घर दी रानी हुण मैं आ, इसलिए जे किसी दे भी खाण पीण दा फिकर सब तो पहला होना चाहिए ना, वो मैं आ। चल मैं तेरे लिए होर बना देनी हां, ये पूरव नु खा लेंगे। खा ले पूरव। नहीं, मेरे को इन्नी वेल है नहीं कि तुहाडे परौंठे दी उड़ीक करा, इसलिए है तो मैं ही खाऊंगी। नाले वैसे भी इस घर दे 100 काम करने हैं। मैं एक ही बच्चे वाली जिद्द, सिंपल जिद्दा तो तुसी कढ़ लिया जड़िया मेरे ना कढ़नियां सी, हुण मेरी वारी है। बथेरा दुखी हो लिया जिन्ना मैं होना सी तुहाडे हत्थों। ते एदा मतलब ए है कि तू पूरब नु भी तंग करेंगी? तेनू निक्के जे न्याणे दी भी लिहाज नहीं? लिहाज तो मैं उन्ना ही करूंगी जिन्ना इस घर विच तुसी मेरा कीता सी। हुण ओही होएगा जो मैं चाहवांगी इस घर च। मम्मी जी, सिंपल तू तो इतने कर रहे हो। मैं है की कर सकती हूँ इस घर विच? इस घर दे विच ओही होएगा ना छुआ जानगे। सिंपल गल की हुई है, तू इदा की बोलती भी है? हाँ, मैं तो हूँ बोल भी नहीं सकती इस घर विच, क्योंकि कोई मैनू देख के राजी नहीं है। सारे बस यही उड़ीक रहे ने कि कद सिंपल इस घर तो बाहर निकले। सिंपल तेनू इस घर चो बाहर कौन कढ़ना चाहुंदा? उछदे तो इदा पे जिवें तुहानू पता ही नहीं है कि मैनू इस घर विच कौन कढ़ना चाहुंदा। पर मैं तो तेनू कुछ कहा भी नहीं। तुसी तो मनना ही नहीं हुंदा कुछ भी, इन्ने वड्डे वड्डे इल्जाम लगाते ते उन्हें होर की सुनना बाकी है। सब तुहाडी गलती है अरमान, तुसी मैनू एवें रोकता, जे मैं कल मर जाती ना सारे दी दिवाली चंगी रह जाती। क्यों कुफर तोली जानी है कुड़िए? बस मम्मी जी बस, रात दिन देशों दे कलेश करके सिंपल पहले ही बहुत परेशान सी, ते हुण तुसी उन्हें होर दुखी ना करो, ते नाले बड़ी मुश्किल ना मैं नवी नौकरी मिली है। मैं थोड़े कलेश करके होता छड़ नहीं सकता। मेरा तो सिर ही घूमी जाता है, देशो बिना तो एक घर ही सुना सुना लगी जाता है। उत्तों पूरव जड़ी जिद करी जांदा वह वक्री, बड़ा मुश्किल उन्हें वराया असी दोवां ने। न्याणियों का तो औखा ही है भाजी, न्याणे कित्थे टिकदे ने मावां तो बगैर? देशो गई कित्थे? अरोड़ा साहब, मैं हर पासे पता करके देख लिया, कित्थे उहदी कोई थौ नहीं पता। विचारे कल्ले अद्धी रात नूं पता नहीं कित्थे गए होने हैं, बस जिथे भी होन ठीक होवन। ना माया पुत, इदां दी चिंता ना कर, कल दिवाली वाली रात सी, वाहवा रौनक सी सारे पासे। मैनूं लगदा होनी ओह किते नेड़े तेड़े ही है, बस परेशान होनी है विचारी, इस करके शांत हो के चुप करके बैठी होनी है किते। तुहाडी गल बिलकुल सही है भाजी, असीं सारे जाणदे ही हां इह उहदा सुभाअ ही है। अगे भी ना रातों रात बिजनेस बंद करन दा सोच के चुप करके बह गई सी। बिजनेस दा तां हुण औखा है जी। शिवम पुत जी, देशो ना मुड़ी तो डब्बियां दे ऑर्डर दा की बनू? नहीं अंकल जी, कली गल ऑर्डर दी नहीं हैगी, वो तो असी भी दो तीन दिन लई कर ही सकदे सी। फिर गल की है काका? दरअसल अंकल जी, ये समा बहुत ही महत्वपूर्ण है साडे बिजनेस लई, हुण तां देशो मैडम दी मेहनत दा मुल पैण दा वेला आ चुका है। जरा खुल के समझा काका, मैं समझा नहीं तू कहना की चाहना है। शिवम, किसी वड्डे कॉन्ट्रैक्ट दी गल तां नहीं, जित्थों तक कागजी कार्रवाई है तू आप भी कर ही सकता? नहीं अंकल जी, कली गल कॉन्ट्रैक्ट दी नहीं हैगी, आपां बैंक तो लोन इसे करके लिया सी ताकि बिजनेस नूं अगे वधा सकीए, इस करके आपां वड्डी फूड चेन्स ते पैकेज कंपनी नाल टाई अप कर रहे सी। ये तो बहुत वधिया गल है काका, तू करा टाई अप, देशो नूं तां असीं आपे लभ ही लवांगे। नहीं अंकल जी, मैं कल्ला टाई अप नहीं कर सकता, जे मैनूं कल्ले नूं ही करना हुंदा तां मैं अजे तक कर देने सी। हुण ते कंपनीज ते फूड चेन्स दीआं कॉल्स भी आण लग पईआं ने,
पर सारे कॉल करके देशो मैडम नाल ही गल करना चाहते ने, ते देशो मैडम का कोई अता पता ही नहीं है। फिर तो काम सच्ची बड़ा खराब है, देशो नू इना मौकियां दा फायदा चकना बहुत जरूरी सी। हाँ, एहो जे मौके बार बार थोड़ी मिलते ने। आंटी जी, जे सिर्फ गल इन्नी की हुंदी तां भी कोई गल नहीं सी, मैं कंपनीज नू दो तीन दिनां लई टाल सकदा, पर जिन्ना के देर आपां मौका सांभण ते लावांगे उन्ना ही बैंक दा कर्जा साडे लई औखा करूगा। इह गल तां आपां सोची नहीं, इसलिए देशो नू लभना तां बहुत ही जरूरी है। अंकल जी, सिर्फ लभना नहीं हैगा, सगो ए वी पक्का करना है कि वो बिजनेस करन वास्ते पूरी तरह तैयार हो जाए। सही कह रही है पुत, जे देशो पिछली बार मंगू फिर मन हार के बह गई ना, तो बड़ा नुकसान हो जाना यार उहदा। सारा कसूर ही मेरा, ना मैं इहो जी बकवास स्कीम लैके आंदा, ना सिंपल नू देशो मैडम नू कुछ कहन दा मौका मिलदा, ना देशो मैडम इत्थों जांदे। पक्का सिंपल दीआं गल्लां नू मैडम ने दिल ते लगा लिया होना, इस करके पता नहीं कित्थे चल गए। पक्का ही बड़े उदास होणगे देशो मैडम। ओ तू अपने आप नू क्यों कोसदा सी, तेरे तो कोई कसूर ही नहीं है, गलती तो सारी मेरी है, मैं ही देशो नू अरमान वास्ते दोबारा सब कुछ करन नू मजबूर किया सी।